आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज का फाइनेंस का पेपर हुआ है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो कंप्यूटर सेक्शन है वो मैं आपको पूरी कंप्लीट बताने वाला हूं। उसके क्या आंसर है आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आप देख सकते हैं यहाँ पर, आज के एग्ज़ाम के अंदर ये जो है हमारी सेक्शन 8 थी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 10 MCQ पूछे गए थे, क्या क्या था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके राइट आंसर क्या है वो भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपने चेक कर लेने आपने कितने क्वेश्चन जो ठीक किए हैं कंप्यूटर के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ द इंटरनेट, इंटरनेट इनमें से कौन से टाइप का नेटवर्क है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। सेकेंड पूछा गया, अमन वांट्स टू रिकॉर्ड अ टास्क, अमन ने एक टास्क को रिकॉर्ड करना है और उसको रिपीटली फिर से परफॉर्म करवाना है, तो वो कौन से MS Excel के फीचर का यूज़ करेगा। तो राइट आंसर होगा बी पार्ट, एक्सेल मैक्रोज का यूज़ किया जाएगा रिपीट करने के लिए, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन देख लेते, यहाँ पे पूछा गया विच प्रिंटर प्रिंट्स करेक्टर एंड इमेज विदाउट डायरेक्ट फिजिकल, विदाउट यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट डायरेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड प्रिंटिंग मशीनरी। तो जो कॉन्टैक्ट नहीं करते उसको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, तो जो स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क है उसको मेजर किया जाता है RPM के अंदर, तो RPM की फुल फॉर्म है, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज़ अ फ्लैट सरफेस एंड यूजली कम्स विद अ स्टाइलिश। तो ये सारे इनपुट ही हैं लेकिन याद रखना इसका राइट आंसर है डिजिटाइजर। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं फ्लैट स्क्रीन का सरफेस का यूज़ कर रहा हूँ, मैं जिसके ऊपर लिख रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो पूछा गया है, प्रीत वांट्स टू कन्वर्ट द स्कैन इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, विच इनपुट डिवाइस शुड शी यूज़, वे कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ होता है OCR का, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फ्लैश मेमोरी डिवाइस, इसमें से कौन सा फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। तो राइट आंसर होगा USB ड्राइव। नेक्स्ट पूछा गया है थ्रू विच टैब कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन MS Word, MS Word के अंदर हम पेज ओरिएंटेशन कहाँ से चेंज करते हैं, किस टैब से करते हैं। तो ये सबको पता होगा पेज लेआउट से हम करते हैं, तो ये राइट आंसर था। विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS को कहाँ स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, ROM के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था विच वायरस अटैचेस इटसेल्फ डायरेक्टली एंड .exe और .com फाइल्स इंटर द डिवाइस वाइल इट्स एग्जीक्यूशन। तो राइट आंसर होगा डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये मैंने सेट ए था जो मैंने आपको बताया, और अगर आपका सेट कोई और है जो फाइनेंस का पेपर दे चुके हैं तो आगे पीछे होंगे क्वेश्चन, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 राइट आंसर मैंने आपको बता दिए, तो आप अपना एग्ज़ाम जो भी देख के आए हैं वो चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।